आप सबों को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग COVID-19 से लड़ रहे हैं और सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, और ये बहुत दुख की बात है कि हम ही लोगों में से कुछ जन क्षेत्रों में जो सरकारी निर्देश है या हम लोगों ने जो कहा है उसकी पूरी तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं। सूचना मिल जाती है, मुझको समझ में नहीं आता है कि गुरु चर्चा का आकर्षण इतना क्यों है। शिव के प्रति आकर्षण तो हमको नहीं लगता, चर्चा के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? क्या सम्मान छिपा है इसमें? क्या सामाजिक वर्चस्व छिपा है इसमें? क्या कुछ राशियां छिपी हैं या धन छिपा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि चर्चा का ये प्रबल आकर्षण, यहाँ तक कि चर्चा के सामने महादेव की कोई कीमत नहीं रह गई, कोई कीमत नहीं रह गई, चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है और शिव बिल्कुल गौण पड़ गए, शिव भाव बिल्कुल कम हो गया है, शिव स्वभाव बिल्कुल कम हो गया है। आपको सतर्क होना चाहिए, शिव शिष्य बने थे एक दिन, आज आप शिव शिष्य दिख नहीं रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो ठीक हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत खराब स्थिति है। मैं इसे ज्यादा आपको क्या कहूँ, अनुरोध पर अनुरोध किए जा रहा हूँ। पिछली बार तो मैंने बहुत कड़े शब्दों में कहा था, इसको बंद करिए भाई साहब। सरकार आपके हित में ऐसा निर्णय ले रही है, समाज के हित में निर्णय ले रही है, देश के हित में निर्णय ले रही है। एक आप हैं जो सुनते ही नहीं किसी की। चलिए देखता हूँ आप लोगों ने क्या जिज्ञासाएं भेजी हैं, कोशिश करता हूँ। भाई संगम जी हैं भागलपुर से, 1980 के दशक से आप हम लोगों को शिवशिष्य बनाने के लिए हमेशा चिंता ग्रस्त रहते हैं, फिर भी हम लोग यथार्थ में शिव के शिष्य नहीं हो पा रहे हैं। साहब से प्रार्थना है कि क्या कोई दोष है हम लोगों में? अगर है तो इस दोष को दूर करने की दया करें ताकि हम यथार्थ में शिव के शिष्य बन सकें। लोगों तक आवाज गई है सवाल पर? देखिए, हमने 80 के दशक से शुरू किया था और 90 के बाद तो कमरे से बाहर ये बात चली आई जब मैं पटने में था। मेरी कोशिश रही है कि लोगों को शिव से जोड़ूं ताकि उनका मन विशाल बने, बड़ा बने, संकीर्णताओं से दूर हो। बहुत कुछ हुआ भी है, शिव शिष्यता में संकीर्णताएँ बहुत कम नज़र आती हैं, नहीं के बराबर नज़र आती हैं। कुछ लोगों में है कि हम इस जिला के रहने वाले हैं, इस जिला में दूसरा कोई नहीं आएगा, बहुत कम लोगों में है। ये बहुत छोटे लोग हैं, क्षुद्र विचार के लोग, लेकिन बहुत हद तक ये बात हटी है, दूर हो गई। जहाँ तक शिव शिष्यता का सवाल है और अपने दोषों का सवाल है, अपने भीतर जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनका सवाल है, इसका एक ही उपाय मुझको लगता है कि आप अपने गुरु शिव के चरणों में इन दोषों को, इन सुविधाओं को सबको समर्पित करते रहिए, उनको वापस करते रहिए, देते रहिए। आदमी है तो कोई दोष तो रहेगा ही, जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा, जीव भाव दोष तो है नहीं। शिव भाव में चलने में थोड़ा दोष रोकता है, लेकिन अगर शिव को अर्पण कर दिया जाए, शिव को दे दी जाए ये चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट। भाई सोनू है विक्रमगंज रोहतास से, मैंने सुना है कुछ लोगों से कि महादेव कहते हैं कि तुम मुझे मन में स्मरण करो तो मैं सुनता हूँ, मन से यदि बुलाते हो तो मैं आता हूँ, तुम यदि मन को शोभा बनाते हो तो वही मेरे लिए शांति से परिपूर्ण कैलाश है, काशी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम अपने मन को शिवमय बनाने के लिए क्या करें। शिवमय मन को बनाने के लिए पहले बढ़िया गुरु को खोजिए, सही गुरु के पास जाइए,
अब शिव से बड़ा तो गुरु नहीं ढूंढ के लाया जा सकता भैया, उससे जुड़ने का प्रयास करो। खिला मन ही का है, बिल्कुल सही है। इस मन को वो जो तीन सूत्र आपके दिए गए इसको करिए, दया की याचना करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए, हमने कहा कि थोड़ा नमः शिवाय करिए, इन चीज़ों को करिए और जुड़ेगा तो मन। वैसे मन से शिव को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मन एक दिन जुड़ते जुड़ते बेमन हो जाएगा, माइंडलेसनेस में चला जाएगा, तब शिव का आभास हो सकता है। तो दुष्कर है, थोड़ा कठिन है, तब भी मन शिव जैसा तो हो जाएगा। इसलिए जो भी दिक्कतें आपको होती हैं शिव को अर्पित कीजिए, कोशिश करिए कि वो दिक्कतें आपको आपके मन में नहीं पैदा हों, और आगे बढ़िए, अपना भी काम करिए और शिव की ओर बढ़िए भी, दोनों काम साथ चलने चाहिए। सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्म दोनों का सामंजस्य रखिए और बढ़िए। जी जी, भाई प्रमोद जी हैं पटना से, कि पहला सूत्र जो आपने दिया है शिव से संबंधने के लिए दया की याचना, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो जब मन समझेगा कि उसके गुरु शिव हैं, तब मन दया की स्थिति में होगा। तो दया की स्थिति में मन में क्या रहेगा शिव शिष्य होने के लिए? देखिए पहला सूत्र याद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शुरुआत की पंक्ति यही है। यानी आप अपने माइंड को, एक नया आदमी है वो अपने माइंड को सजेस्ट कर रहा है, अपने मन में ये विचार डाल रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु, यानी कि वहाँ वहाँ खड़ा है वो आदमी, मैं मेरे गुरु, और तुरंत कहता है वो कि आप मैं आपका शिष्य हूँ, यानी अब झुक रहा है वो, अभी मेरा है, मैंने पकड़े हुए है वो, तो माइंड को सजेस्ट कर रहा है कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं, तब सजेशन चेंज कर रहा है उसका कि मैं आपका शिष्य हूँ। अब यहाँ विनीत हुआ वो, झुका वो, और तब कई तरह से चल जाएगा। अगर मन में ये इस बात की आवृत्ति ली जाए, दोहराया जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन, बोलने की जरूरत तो है नहीं, मन अगर समझता है कि हे शिव मेरे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो बाद में मेरे गुरु हैं यह कम होने लगेगा और मैं आपका शिष्य हूँ ये बढ़ने लगेगा भाव। काम तो इतने ही से चल जाएगा, लेकिन आदमी समझता नहीं है, सोचता है कि इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए महादेव से। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप दया मांगो, दया भेग है, दया नहीं है तो ऐसा मिलेगा, ये तो कृपा का है कि करो भी और पाओ भी। दया में ऐसा कुछ नहीं है, मर्सी में कुछ नहीं है, वहाँ सभी नियम कानून अलग हो जाते हैं और दया काम करती है। जहाँ तक दया मांगने का भाव में क्या छिपा रहेगा, कुछ नहीं छिपा रहेगा, मन झुक जाएगा, मन पिघल जाएगा शिव की याद में और कुछ नहीं रहेगा। और जान लीजिए जब मन पिघलता है तो शब्द बंद हो जाते हैं, सोच बंद हो जाती है। आप देखिए किसी को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत आपका प्रिय पात्र कोई है, वो अचानक आपसे 10 साल के बाद मिल जाता है और आप वो दोनों पहचान लेते हैं, अकबका जाइएगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। कुछ देर के बाद तब फिर आपके विचार और आपके शब्द लौटेंगे, पूछेगा भैया तुम इतना दिन से कहाँ थे, तो अकबका गए आप, मैंने बोली आपकी बंद हो गई, कुछ सोच नहीं पा रहा है मन, अरे ये कहाँ से मिल गया भाई 10 साल के बाद। तो शिव से दया मांगने की स्थिति में यही होगा, कुछ कोई विचार नहीं होगा, आवाज़ बंद हो जाएगी, आप विनीत हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे, मन आपका पिघलेगा, यानी कड़ा नहीं रहेगा, अकड़ नहीं रहेगी। और जो अकड़ सकते हैं, जिनमें अहंकार है, वो शिव शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए किसी को कोई बात आप कह रहे हैं वो थोड़ा पिनक जाता है, अकड़ उसकी बहुत ज़्यादा, तो अकड़ने वाले के लिए तो भक्ति भी नहीं, अकड़ने वाले के लिए शिष्यता भी नहीं। हाँ इसको खत्म है, जीव भाव में है अकड़, तो इसको धीरे धीरे खत्म करिए, इसको धीरे धीरे महादेव के चरणों में समर्पित करिए, ये दोष है।
वहाँ तो पिघलना जैसा कुछ है, जैसे बर्फ गलती है वैसे गलना जैसा कुछ है। ऐसी स्थिति में दया मांगने में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर अकड़ है तब तो दया मांगी ही नहीं जा सकती, तब फालतू है मुंह से मांग रहे हैं, और मुंह से तो कोई काम होता नहीं आध्यात्म। बहन अनीता जी हैं हुगली बंगाल से, शिव भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक चरणोत्कर्ष का रहस्य है। शिष्यानुभूति में आपने ये बात लिखी है, आपकी इस बात का अर्थ क्या है? शिष्यानुभूति का जिक्र आपने किया, उल्लेख किया आपने, वो पुस्तक है, यानी किसी शिव शिष्य की वो अनुभूति है, ठीक है, मैंने ही लिखा है, यानी उस शिव शिष्य ने जो अनुभूत किया है, जो भोगा है, उसको लिखा है उसने, उसका यथार्थ है वो। तो शिष्य अनुभूति कहती है कि शिव की ही दया से, गुरु की ही दया से लौकिक पारलौकिक सभी उत्कर्ष मिलते हैं, उसका भोगा हुआ सत्य है। और इसको इसको महसूस करने के लिए आपको शिव शिष्यता में बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। धीरे धीरे आप भी महसूस करेंगे, ये जगत हो या पारलौकिक दुनिया हो, दोनों में उसी की दया काम करती है। वैसे भी ये जीवन तो आध्यात्म, किसी की सोच से हम बने हैं, कब हम पैदा होते हैं कब हम मरते हैं हमारे आपके नियंत्रण में नहीं है, यानी किसी की सोच है, कोई है जो हमको आपको नियंत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप शिव से जैसे ऐसे जुड़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि लौकिक पारलौकिक सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, और उसी की दया उन चीज़ों को फिर से परिमार्जित करती है, ठीक करती है। एक संगीता जी हैं गुरुवान काठमांडू से कि साहब, हम लोगों ने सुना है कि सिंहेश्वर स्थान में आप महादेव को प्रसाद खिलाए, तो वहाँ सिंहेश्वर सिंहेश्वर स्थान में जो महादेव हैं और आपके जो महादेव हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि मेरे महादेव। कोई महादेव एक ही सत्ता है। मेरा महादेव कहने का अर्थ हुआ वह मेरा है, आप कहेगा वो मेरा भी है, बिल्कुल आपका भी है, लेकिन क्या ये भाव है कि वो मेरा है, वो शिव मेरा है, वो गुरु मेरा है, ये भाव है? ये भाव अगर है तो आप कहिएगा ही कहिएगा कि शिव मेरा। सिंहेश्वर मंदिर का महादेव और मेरा महादेव दोनों एक ही है। मैंने वहाँ मिठाई खिला दी, वो मैं चमत्कार करता नहीं, वो फंस गया था तो मैं क्या करता, मिठाई खिला दी, ऐसा नहीं कि वो महादेव दूसरा है और मेरा महादेव दूसरा है। मेरा महादेव जैसा मेरा शब्द आएगा, मेरी चप्पल, ये शब्द जहाँ आया हमको पता है कि मेरी चप्पल किस स्थिति में, किस रंग की है, लेकिन दूसरे की चप्पल किस स्थिति में किस रंग की है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी चप्पल, मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जहाँ मेरा लगा, आपकी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं, आप उसके बारे में बिना किसी के बताए सब कुछ जानने लगते हैं। माँ बच्चे के बारे में जानती है कि बच्चा भूखा है, बच्चा कुछ नहीं बोलता, आपके पॉकेट में रखे पैसे कुछ नहीं बोलते, वो निर्जीव है, लेकिन आपको पता है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। जैसे मेरा शब्द आया, मेरा का भाव आया, वैसे शिव से आपकी नज़दीकी बढ़ती है, वह शिव सुनता है, सुनता वो सबकी है, लेकिन आप हो सकता है आपका भाव बहुत अपनेपन का हो, मेरा हो, तो वो आपको प्रत्युत्तर भी देता है, आपको वापसी भी अपने जिज्ञासा की मिल जाती है। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए पहले सूत्र में कहा गया है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लिखा जा सकता था ये जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, नहीं लिखा गया, सूत्र है वो, उसके सहारे चढ़ा जाता है, सीढ़ी है वो, सोपान है वो, यानी मेरे, मेरा बेटा, वैसे मेरा शिव, मेरा गुरु, महादेव कहीं कोई दो नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो दृश्य हो अदृश्य हो, शिवलिंग में हो, मूर्तियों में हो, भजनों में हो, गीतों में हो, सब महादेव एक ही है,
अंतर यह है कि आपका उस महादेव से जुड़ाव कितना, सानिध्य कैसा है। जो सबकी सत्ता होती है बाबू, बहुत कम आदमी की वो अपनी होती। तो शिव तो सबका है। हमारे बाबू जी पूछते थे, हमारे दादा भी पूछते थे, हमारे चचा भी पूछते थे, गांव वाले भी पूछते हैं, शहर वाले भी पूछते हैं, देश वाले भी पूछते हैं, सबका। लेकिन सबका कह देने से आपके मन में वो संवेदना नहीं जगेगी जब तक मेरा नहीं आएगा, अपनत्व का भाव नहीं आएगा। इसलिए पहले सूत्र में स्टार्ट में ही है, शुरू में ही है, प्रारंभ में ही है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं मेरे गुरु। भाई अखिलेश हैं मानेसर गुरुग्राम से। साहब आप कहते हैं कि श्वास पर नमन करते हो तो माला पर नमन मत करो, माला पर नमन करते हो तो श्वास पर मत करो, तो नमन की प्रक्रिया माला पर और श्वास पर दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा कि दोनों साथ साथ नहीं करें। आप हमको स्टेशन जाना है, मान लीजिए एक पांव हम रखा, मैंने रखा है कार पर और एक पांव रखा है रिक्शे पर, क्या होगा मेरी स्थिति? एक साथ तो नहीं सवारी की जा सकती है ना। आप माला पर एक माला जप लें, जब भी कोई अर्थ नहीं रखता है, भाव प्रणाम करें 108 बार महादेव को, अपने गुरु को, और तब सांस पर करें। दोनों को मिलाइए मत, क्योंकि सांस वाले माला की गिनती नहीं होती है, रुद्राक्ष की माला गिनती की हुई है लेकिन उसमें गिनती मानी जाती है, सांस के माला की गिनती नहीं मानी जाती है। सांस पर बहुत सारी चीज़ें हैं मंत्रों में जो नहीं होती हैं, माला पर ध्यान मस्त है। सांस पर जैसे नमः शिवाय आप चढ़ाएंगे, ध्यान ऑटोमेटिक होगा, स्वमेव होगा, स्वचालित रूप से होता है। दोनों को साथ साथ मत कीजिए। खूब मजे में आप सुबह में एक माला कर सकते हैं, उसके बाद आप सांस पर करिए, सांस पर तो 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ साथ मत कीजिए। एक साथ रिक्शा पर और टमटम पर मत चढ़िए, टमटम पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद रिक्शा पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद गाड़ी पर चढ़ना है चढ़िए, एक उटांग इस पर, एक उटांग इस पर मत करिए। दोनों के सिस्टम अलग अलग है। मन से फ्री है, मन से आपको न्यूयॉर्क जाना है, चलिए पहुँच गए हम लोग, लेकिन जब विमान से यात्रा करेंगे आप, जब किसी दूसरी सवारी से यात्रा करेंगे आप, तो वहाँ नियम कानून लगते हैं, वहाँ तरीके लगते हैं, बिना तरीकों के उन सवारियों का उपयोग नहीं होता। अक्सर सुनने में आता है, भाई अमर जी हैं मुजफ्फरपुर से, बिहार से, अक्सर सुनने को आता है कि भाग्य में था इसलिए मिला, कर्मफल में था इसलिए भोगना पड़ा, तो भाग्य और कर्मफल क्या दो चीजें हैं? और प्रारब्ध कर्म है या क्रियमाण कर्म, अभी जो इसी के फलाफल को जोड़ के एक शब्द बनता है भाग्य। जैसे कर्म बंधन व्यक्ति के होते हैं पूर्व के, या उम्मीद की जाती है कि ऐसा ये कर्म करेगा, उम्मीदें भी की जाती है, उससे जोड़ के ये फलाफल निकलता है, इसी को बोलते हैं भाग्य। वह स्वकर्मों का प्रतिफल है जिसकी गणना होती है, गणना के बाद भागे, कोई भाग पड़ सकता है, कोई नहीं पड़ सकता। जी, बहन निशा जी हैं, लगता है इधर लोग शिष्यानुमति अच्छे से पढ़ने लगे हैं। भाई निशा जी बिहटा पटना से हैं। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। आपने लिखा है सिस्टम सर्वोत्तम पक्ष क्या है? सीधा तो उत्तर है इसका भैया, आप हत्यारा बनना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध बनना चाहते हैं? नहीं, आप डकैत बनना चाहते हैं, असामाजिक बनना चाहते हैं कि जैसे पूरा देश आपकी पूजा करे वो चाहते हैं? आप दूसरों से, दूसरे आपको अपशब्द कहें, आपका तिरस्कार करें, ये चाहते हैं कि दूसरे आपको देख के प्रणाम करें, ये चाहते हैं? तो सर्वोत्तम पक्ष क्या है? हम आप हैं क्या? मैंने कहा ना कि शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, मैं हूं कौन? तो सर्वोत्तम पक्ष यही है कि आप जान पाइए कि आप कौन हैं, तब पता चलेगा आप भी शिव हैं, वो भी शिव है, कहीं कोई अंतर, जगत भी वही है, उसी का विग्रह है, उसी का फैलाव है।
भाई ओम प्रकाश हैं काठमांडू से। हम करीब 16 साल से प्रयास कर रहे हैं कि एक भी शिव शिष्य बना पाए, अभी तक बना नहीं पाए। जबकि गुरु का आदेश आपके अनुसार हम लोग को प्राप्त हुआ कि शिव का शिष्य बनाना है। साहब लगातार इस पे बोल रहे हैं कि शिव का शिष्य बनाना है, आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं। तो मुझे लगता है कि मैंने इतने समय तक सिर्फ अभी तक बताने का काम ही हो पाया, शिव का शिष्य कोई नहीं हो पाया। सही बोल रहे हैं, शिव का शिष्य एक मानसिक स्थिति है, शिव का शिष्य एक भावनात्मक स्थिति है, शिव का शिष्य एक संवेदनशीलता की स्थिति है, वहां जुड़ाव की महादेव से स्थिति है। हम लोग उस दिशा में कोशिश करें, कोशिश करने के पहले आपको बताना ही होगा, और किसको किसको बताएंगे आप, जहां संभव होगा वहीं ना बता सकेंगे आप। ठीक है, फेसबुक पर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं, जो भाव उठ रहे हैं, वो भाव तो मुझको संप्रेषित नहीं हो पा रहे, वो तो मुझ तक नहीं आ रहे। इसीलिए ये बकर बकर है, मैं फेसबुक को बकर बकर मानता हूँ। मेरे मोबाइल में फेसबुक है भी नहीं, मैं चलाता भी नहीं, मुझको आता भी नहीं, लेकिन क्या करें, लोगों का मैदानी क्षेत्र से अनुरोध आता है कि साहब कुछ बोलें, सारे मर जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम। कम से कम आदान प्रदान हो विचारों का, तब ना उसको एक दिशा दी जाए। मैं बोलता हूं आप सुनते हैं। है? हाँ, सामने सामने बात होता तो ठीक है, ऐसा ऐप कोई मिले, ऐसा यंत्र कोई रहे कि आपका चेहरा मैं भी देखूं, आप बोलिए मैं सुनूं, मैं बोलता हूं आप सुनिए, आप जवाब दीजिए। तो और गुरु का काम क्या है, गुरु परमात्मा से एक सुनिश्चित करते हैं, यही ना है जी, मैंने एक होना, एक मैंने एक होना, शिष्य को गुरु परमात्मा से जोड़ते ही हैं, एक करते हैं। कोई गुरु होगा यही करेगा, शिव गुरु होंगे वो भी वही करेंगे। भाई गजेंद्र जी हैं मधुबनी बिहार से। जब आर्थिक समस्याएं सामने आ जाती हैं, तब व्यक्ति चाहकर भी आध्यात्मिक नहीं रह पाता। अभी जिस महामारी के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, अधिकांश लोग इस स्थिति से अभी गुजर रहे हैं, तो इस अर्थाभाव और अध्यात्म के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करें? हर एक आदमी की जिंदगी में अर्थाभाव का दौर गुजरता है। एक स्थिति आपकी उम्र में ऐसी आएगी कि जब आप कुछ करने लायक नहीं होंगे, और बेटा लोग तो बाबू बम्बई या अमेरिका चला जाता है, बुढ़वा बैठा हुआ है, उसकी बीवी है तो ठीक है, नहीं तो बुढ़वा खोखो कर रहा। अगर हम लोग की तरह सरकारी नौकर हैं आप, तो 70,000 पेंशन मिल जाएगा, तो चलिए रोजी रोटी चल जाएगी। वो भी हम सुना है कि साला बेटवा ले जाता है, पेंशन ले लेता है, चार गो केला बाप को थमा देता है, जा तू खा। तो ये स्थिति तो आनी है, सबकी आती है। आप कहीं भी चले तो कुछ अच्छी सड़कें, कुछ खराब सड़कें मिलेंगी ही मिलेंगी, जिंदगी का ही हाल। लेकिन शिव गुरु से जुड़ जाएंगे आप, कोई भी समस्या हो, वर्ष की समस्या हो, जागतिक समस्या हो, या पार्लर की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप गुरु से विनती करिए, धीरे धीरे बेसिक नीड्स तो पूरे हो जाएंगे, मूलभूत आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी। अब फुटानी करना चाहते हैं तब तो भैया कोई उपाय नहीं, तब तो कोई उपाय नहीं। बेसिक नीड्स, भोजन चलेगा, कपड़े मिलेंगे, बच्चे खाएंगे, स्कूल जाने की जरूरत होगी तो स्कूल जाएंगे, पत्नी ठीक पहनेंगी वो, लेकिन आप कहिएगा साला सिल्क का कुर्ता पहनते, पैजामा झाड़ते निकलते, लोग देखता है कि हाँ भाई वह आ रहा है, ये आपने कमाइए खाई। जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर आप भी उसी तरह से फटीगंजी पर उतर जाइए। आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं दंडाधिकारी था, आपको मालूम है 1987-88 की बात, पूरा 82 से लेके 88-90 तक मेरे बड़े पुत्र भी बोल रहे थे, ये उस समय थोड़े बच्चे थे लेकिन उनको याद होगा। 20-22 तारीख होते होते मेरी पत्नी कहती थी
कि घर में घी नहीं है, पैसा भी नहीं, आरती कैसे करें। मैं कहता था अगरबत्ती से आरती करो और महीने के अंतिम 10-15 दिनों तक अगरबत्ती से ही आरती मेरे घरों में मेरी पत्नी करती थी। राज बड़े जमींदार की बेटी थी, उसमें स्टेट की बीवी थी और अगरबत्ती से आरती करती थी, महादेव भगवती की आरती वो करती थी। उन्हीं का सिलसिला आज तक चल रहा है कि मेरे घरों में आरती होती है। तो मैं डिप्टी कलेक्टर था, मैं दंडाधिकारी था और 20 तारीख के बाद महादेव और भगवती की आरती करने के लिए अगरबत्तियाँ, अगरबत्ती दो अगरबत्ती से आरती होती थी, ही नहीं था, वैसे नहीं थे, तो अर्थाभाव सबको होता। लेकिन शिव इसमें भी मदद करते हैं। वो किस चीज में मदद नहीं करते हैं, जुड़ के तो देखिए, बेसिक नीड्स की कमी नहीं होगी, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं शिव का शिष्य है इंद्रान, फोटानी की गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब अगले बार शुक्रवार को मैं नहीं आने वाला। बहुत लोग कहते हैं कि साहब शुक्रदेव का आते, शुक्रदेव का आते, अरे सारा सब छुट्टी था तो शुक्र को आते आऊंगा। वो भी हो सकता है 15 दिन के बाद, यानी अगले संडे 28 जून को आऊंगा। उसके बाद देखिए 7 दिन पर आता हूँ कि 15 दिन के बाद आता हूँ कि आता ही नहीं हूँ। आप सबों को पता।